गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर अपनी पत्नी समेत तीन बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा। आरोप है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी, 5 साल के बच्चे और 2 जुड़वा बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात अंजाम देने के बाद अपने साले को फोन कर बताया था कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। वारदात के बाद से आरोपी कोई सुराग नहीं लगाया आरोपी का। आरोपी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बेंगलुरु में जॉब करता था। बताया ये भी जा रहा है कि जॉब छूट जाने के बाद से वो काफी परेशान था। गाजियाबाद पुलिस आरोपी सुमित कुमार की तलाश में जुटी है। गार्ड बोलता है कि 3 बजे यहाँ से गया है। मारा तो खुद नहीं, क्योंकि वीडियो डाला है उसने, खुद कबूल करी वीडियो डाला है उन्होंने, और अंदर से लॉक, वो बाहर से लॉक करके गया है, और आपस में झगड़ा भी हुआ है। पति ने अपने परिवार के सामने ये कन्फेशन किया था कि कुछ दिनों से परेशान चल रहा था और संभवतः आर्थिक तंगी के कारण उसने ये कदम उठाया, और उसने खुद भी सुसाइड करने की बात कही है। हम उसके उसको भी चेक करने के लिए अभी हमारी टीमें निकल गई हैं, वो पता लगा रहे हैं। गाजियाबाद के ज्ञानखंड 4 में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से 3 मासूम हैं, जिनमें 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। दरअसल रविवार की शाम को 4 से 5 बजे के आसपास घर के मुखिया सुमित ने अपने साले को फ़ोन पर जानकारी दी कि उसने अपने 3 बच्चों और पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी है, जिसके बाद आरोपी जो है सुमित यहाँ से फरार हो गया, क्योंकि उसने अपने साले को ये भी बताया कि वो भी खुदकुशी करने के लिए यहाँ से निकल रहा है। और पुलिस को 100 नंबर पर कॉल उनके ही साले ने किया, जिसके बाद पुलिस इस फ्लैट पर पहुँची। 175B SF फ्लैट नंबर पर पहुँचने के बाद पुलिस ने देखा कि घर के अंदर 4ों की लाश पड़ी है, और रक्तरंजित लाश को देखने के बाद पुलिस ने आसपास की चीज़ें खंगाली, क्योंकि जो उनके साले ने जानकारी दी थी कि उनके जीजा जो आरोपी सुमित है, जिसने अपना खुद कबूला कि उसने ही अपने परिवार के 3 बच्चों और उनकी पत्नी अंशु बाला की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस अब जाँच कर रही है, क्योंकि अभी तक सुमित का भी कुछ नहीं पता लग पाया, क्योंकि पुलिस उसके जो मोबाइल फ़ोन है उसकी डिटेल्स को खंगाल कर और उसकी लोकेशन को तय मानकर इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। लेकिन उनके साले ने यह भी बताया है कि जो सुमित हैं वो कुछ समय पहले ही अपनी नौकरी छोड़ चुका था और उसके बाद से ही परेशान था। आर्थिक रूप से तंगी भी परिवार में थी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें सामने नहीं आ पाई थी, क्योंकि पड़ोसियों के मुताबिक किसी तरह की कोई परेशानी उन्हें नज़र नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर जो सुमित है वो काफ़ी समय से परेशान था, और कुछ नशे की चीज़ें भी लेने के रूप में उसे देखा गया था। तो कुल मिला के पुलिस जो है इन सभी को एंगल मानकर यहाँ पर जांच कर रही है, क्योंकि वजह अभी तक सिर्फ यही आई है कि वो आर्थिक रूप से परेशान था और अपनी नौकरी छूटने की वजह से वो नशे की लत अपने ऊपर लगा चुका था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी सुमित की तलाश कर रही है। कैमरामैन ईश्वर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। और एक बड़ी खबर है इस वक्त की, श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद अब आतंकी भारत के बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं। देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी समेत देश के कई बड़े शहरों पर लश्कर और जैश के आतंकी हमला करने की फिराक में हैं, और अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीलंका में हुए सीरियल धमाकों के बाद भारत के प्रमुख शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, और कुछ दिन पहले मिले खुफिया विभाग को जो रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक जैश के 10 से 15 आत्मघाती ये आतंकी हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं, जो भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश में जुटे हैं। साथ ही लश्कर भी एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि लश्कर के निशाने पर भारत के कई शहर हैं, और इसके लिए लश्कर ने बकायदा भारत के कई शहरों की रेकी कर ली है। आशीष सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, कौन कौन से शहर इन आतंकियों के निशाने पर है? जी, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुंबई सहित दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर और कई जो है अहम जो राज्य हैं उन्हें जो है टारगेट किया गया है। खास बात यह है कि वो भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हाथ लगी है, उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि जैश ए मोहम्मद के 10 से 15 आतंकी जो है वो इस वक्त इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा लश्कर भी एक बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसके लिए बाकायदा रेकी भी की जा सकती है। और इसके अलावा स्लीपर सेल लगातार एक्टिव है, और कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसे सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की तैयारी में जो है वो आतंकी संगठन जुटे हुए। शुक्रिया आशीष।
तो श्रीलंका में ईस्टर के दौरान 3 चर्च और 4 होटल में 8 बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़ गई और ये बढ़कर 290 तक पहुंच गई है। वहीं घायलों की तादाद भी 500 से ज्यादा बताई जा रही। मरने वालों में 6 भारतीयों समेत 32 विदेशी नागरिक भी हैं। मृतक भारतीयों का नाम लक्ष्मी नारायण चंद्रशेखर, रमेश और एक महिला पीएस रसिन्हा बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने सीरियल धमाकों के आरोप में 24 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। मुंबई के पास भिवंडी में एक ब्रश कंपनी में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। आग में कंपनी के अंदर भारी तादाद में रखा तेल, साबुन, ब्रश और पेंट जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वही आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया।